Swayam Prabha, Digital India, Educated India. सभी लोगों को नमस्कार जो विषय हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इस विषय का नाम है सिविल प्रक्रिया संहिता तथा परिसीमा विधि और इस विषय में ऑलरेडी कई मॉड्यूल हम लोगों ने देख लिया है आपके साथ और कई मॉड्यूल पर चर्चा हो चुकी है आज जो है एक इग्राहवा लेक्चर है हमारा एलेवेंथ लेक्चर है और इसमें एक अलग मॉड्यूल की चर्चा करेंगे तो अभी इस मॉड्यूल की डिस्कशन करें इस पर आएँ इसके पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरा संक्षिप्त परिचय क्या है ताकि आप जाने कि आपके सामने खड़ा आदमी कौन है तो मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद तिवारी है मैं विधि संकाय दिल्ली विश्वविद्यालय में सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मेरी पढ़ाई लिखाई बी से हुई है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हुई है और उसके पहले बी से पढ़ने के बाद मैं जुडिशियल ऑफिसर था आसाम जुडिशियल सर्विसेज में लेकिन फिर उसके बाद मैं अध्यापन में जुड़ा और विगत मैं बारह तेरह साल से अध्यापन का काम कर रहा हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर तो ये मेरा संक्षिप्त परिचय है आपसे अब विषय पे आते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता तथा परिसीमा विधि इसकी बात हम लोग कर रहे थे और इसकी बात दस लेक्चर में ऑलरेडी हम लोगों ने कर चुके हैं हम लोग आज ये ग्रामा लेक्चर है तो इसके बारे में मैं विषय के बारे में थोड़ा सा फिलहाल आपको बता दूं यहाँ पे कि ये विषय क्या है सिविल प्रक्रिया संहिता एक प्रक्रियात्मक विधि है और ये किस चीज़ की बात बताती है कि अगर आपका सिविल राइट वायलेट हो गया अगर आपका विधिक अधिकार सिविल अधिकार प्रभावित हो गया तो आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे न्यायालयों के द्वारा तो सिविल प्रक्रिया संहिता बेसिकली इसी की बात करती है तो क्वेश्चन ये है कि भाई विधिक अधिकार क्या है तो विधिक अधिकार के लिए हमारे पास तमाम कानूनी प्रावधान है सीपीसी के अंदर जिसको कई लेक्चर में मैंने देखा हम लोगों ने देखा भी था और मैंने आपको बताया भी था कि जैसे धारा धारा है है तो धारा नव, सिविल प्रक्रिया संहिता की बताती है कि सूट ऑफ सिविल नेचर क्या है न, सिविल प्रकृति का वाद क्या है जिसको लेकर के आप सीपीसी के अंदर मामला स्टार्ट कर सकते हैं तो सूट ऑफ सिविल नेचर ये हम लोगों ने देखा था कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने सीपीसी के अंदर देखा था जैसे सेक्शन दस है रेस सब जुडिस सब को बोलते हैं स्टे ऑफ सूट मुकदमे का रोक दिया जाना और दूसरा कॉन्सेप्ट है, तो है सिविल न्यायालय का निर्णय क्या है हम लोगों ने देखा था निर्णय और डिक्री सुनाने के लिए प्रारूप क्या है और इसकी समय सीमा क्या है यह सब हम लोगों ने देखा था और इसके अलावा हम लोगों ने यह भी देखा था कुछ स्पेशल मुकदमे होते हैं सीपीसी के अंदर उनको कैसे आप इंस्टीट्यूट करेंगे तो उसमें हम लोगों ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट मुकदमे की बात करा कि अगर सरकार के खिलाफ मुकदमा दाखिल करना है तब कैसे करेंगे कुछ हम लोगों ने अंतरिम आदेश की भी बात किया था प्रीवियस लेक्चर में कि एक तो फाइनल आदेश होता है कोर्ट का और एक अंतरिम आदेश होता है तो अंतरिम आदेश किन किन परिस्थितियों में और किन किन मुकदमों में पास किया जा सकता है उसका बहुत बृहद एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने इस क्लास में देखा था अब आज का जो मॉड्यूल है ये अलग तरीके का है लेक्चर ग्यारह और अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो लेक्चर ग्यारह का शीर्षक लिखा हुआ है वाद के पक्षकार आदेश एक ध्यान दीजिए तो ये वाद के पक्षकार हैं ये सीपीसी के आदेश एक में वर्णित हैं इनको हम बोलते हैं पार्टीज टू दी सूट पार्टीज टू दूट आर्डर वन सीपीसी आर्डर वन सीपीसी सीपीसी को बोलते हैं सिविल प्रोसीजर कोड इसी को हिंदी में बोलते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता तो जहां हम सीपीसी बोले आप यही समझे ये सिविल प्रक्रिया संहिता की बात हो रही है सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में इसका हुआ था इसको डिटेल हमने बताया था इंट्रोडक्टरी क्लास में सारी बात बताया है आपको तो यह टॉपिक है बाद के पक्षकार कौन होंगे जब आप मुकदमा करेंगे सिविल कोर्ट में तो सिविल कोर्ट में मुकदमा करते समय जो मुकदमा करने वाला है वो कौन होगा जो व्यक्ति जिसके खिलाफ मुकदमा किया जाता है वो कौन होगा तो जो मुकदमा दाखिल करता है उसको हम बोलते हैं वादी अंग्रेजी में उसको बोलते हैं प्लेंटिव और वो बंदा जिसके खिलाफ मुकदमा दाखिल किया जाता है उसको हम बोलते हैं प्रतिवादी अंग्रेजी में उसको बोलते हैं डिफेंडेंट तो कौन कौन वादी हो हो सकता सकता है है सिविल मुकदमे में कौन प्रतिवादी हु हु एंड डिफेंडेंट बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ तो ये डिस्कशन हम लोगों को करना है इसमें वादी और प्रतिवादी कौन हो सकते हैं अब कोई जरूर नहीं है कि वादी एक ही होगा हो सकता है दस वादी हो दस लोग मुकदमा एक साथ कर रहे हो और एक ही प्रतिवादी हो अपोजिट पार्टी के तरफ से हो सकता है एक ही व्यक्ति मुकदमा कर रहा हो लेकिन उधर से दस प्रतिवादी हो ऐसा भी हो सकता है तीसरी सिचुएशन भी हो सकती है इधर से भी नूमरस पर्सन है उधर से भी नूमरस पर्सन है दस वादी इधर है और दस नौ आठ नौ प्रतिवादी उधर है ऐसा भी हो सकता है तो ये डिपेंड करेगा फैक्ट और सिचुएशन पे कितने वादी कितने प्रतिवादी और फिर उनका वो कैसे सिविल मामले में पक्षकार बन सकते हैं तो ये पूरा ऑर्डर इसी की बात करता है आदेश एक मैंने आपको बताया था सीपीसी के अंदर सेक्शन भी है और आदेश भी है जो सेक्शंस भी हैं जो धाराएं हैं वो कॉन्सेप्ट की बात करती हैं राइट लाइबिलिटी की बात करती हैं और जब आप आदेश की बात करेंगे तो ये जो ऑर्डर्स हैं ये कुछ नहीं है रूल्स के रूलक्शन हैं ये नियमों का संयोजन है हर आदेशों में नियमों का समूह है जैसे आप आदेश एक पढ़ेंगे तो इसमें कुल मिलाकर के कितने रूल हैं अगर आप बेर एक देखेंगे तो इसमें तेरह रूल्स हैं थर्टीन रूल्स आर देर थर्टीन रूल्स रूल आर्डर वन के अंदर आर्डर वन में थर्टीन रूल्स हैं ध्यान दीजिए तो ये तेरह रूल तेरह नियमों को प्रतिपादित करते हैं और इसी को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे अभी यहां पे तो आदेश कुछ नहीं है आदेश नियमों का समूह है और इन सारे नियमों में प्रक्रिया बताई गई है तो इसी तरीके से जो पार्टी टू सूट की हम लोग बात करने जा रहे हैं तो हम लोग इसमें आदेश एक के इन तेरह नियमों को देखेंगे लेकिन तेरह नियमों पर आने के पहले आपको यह जानना है कि आखिर ये ये है क्या चीज तो इसको मैंने बताया कौन सूट फाइल करेगा किसके खिलाफ सूट फाइल करेगा ये वाद के पक्षकार होंगे जो सूट फाइल करेगा वादी होगा जिसके खिलाफ स्थापित किया जाएगा वो प्रतिवादी होगा प्लेटिव डिफेंडेंट तो ये यह प्लेटिव डिफेंडेंट होंगे ये एक एक भी हो सकते हैं और ये संख्या में दो भी हो सकते हैं चार भी हो सकते हैं ज्यादा भी हो सकते हैं प्लेटिव की तरफ से भी डिफेंडेंट की तरफ से भी तो कोर्ट को यही बताना है कि कौन इसमें पक्षकार है कौन पक्षकार नहीं है अब मान लीजिए ए और बी के बीच में एक्चुअल झगड़ा है ए और बी के बीच में ए की पेन है और बी ने इसको ले लिया तो ए सूट फाइल करेगा बी के खिलाफ अब इसमें कोई सी अगर बीच में टपक पड़ता है तो इसमें सी का क्या काम है हम बोलते हैं ना उर्दू में बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना तो भाई इसमें ए और बी के बीच में झगड़ा है तो सी का क्या काम है तो सी तो अब्दुल्ला हो गया इसलिए सी की कोई जरूरत नहीं है यहां पर तो यही आर्डर वन इसी को क्लियर करने का प्रयास किया हुआ है कि हु मे वी दार्टी इन दिविल प्रोसीडिंग एन अकॉर्डिंगली दिस रूल विल डिटरमाइन बाई द गाइडलाइंस ऑफ रूल्स विच हेज इन कारपोरेटेड तो ये सारे रूल्स यही बताते हैं कि हु में विद पार्टी इन द सिविल प्रोसीडिंग ठीक है ना तो हम लोगों को यही देखना है और ये जरूरी है कि न्यायालय में उचित पक्षकार ही जाए अगर न्यायालय में अनुचित पक्षकार जाएंगे तो क्या होगा वो कोर्ट के समय को जाया करेंगे कोर्ट के मूल्यवान समय को नुकसान करेंगे और इससे क्या होगा इससे न्याय की अवहेलना होगी जिसको एक्चुअल न्याय मिलना है वो बेचारा पहुंच ही नहीं पाया और जो बेकार के लोग हैं वो न्यायालय में पहुंच करके टाइम बर्बाद कर रहे हैं तो न्याय नहीं हो पाएगा तो न्याय निर्णय के लिए उचित लोगों का न्यायालय में जाना बहुत जरूरी है नहीं तो जस्टिस का डिनायल होगा और जस्टिस का डिनायल अगर हो जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा फिर कानून व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी फिर अराजकता हो जाएगी एनारकी हो जाएगी तो इसलिए राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह आवश्यक है कि जब कोई भी मुकदमा इंस्टीट्यूट हो तो उसमें उचित लोग मुकदमा के अंदर जाएं, ताकि उचित बातें न्यायालय में पहुंचे और उसी उचित बातों पर उचित निपटारा हो तो इसलिए ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है जो सिविल प्रोसीजर को स्मूथ रनिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है तो आदेश एक वाद के पक्षकार कौन होंगे तो ये इसका बैकग्राउंड हम लोगों ने देखा है इसमें तेरह रूल्स का कलेक्शन है अब अगली स्लाइड पे हम जाते हैं देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है एक एक करके आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे आप चलिए अगली स्लाइड में हम देख रहे हैं दो बातें अगर आप इसको देखें वादियों का संयोजन नियम एक और दो और प्रतिवादियों का संयोजन नियम तीन और तीन ओ ये तीन रूल्स हैं हमारे पास अभी तक कुल मिला के चार रूल्स हैं लेकिन फिगर में देखेंगे तो तीन ही देखेगा एक दो वादियों की बात करता है तीन और तीन ए ये प्रतिवादियों की बात करता है ध्यान दीजिए सिविल सिविल मुकदमे में वादी कौन हो सकता है है हु हु द द इन सूट पॉइंट नंबर इसको रूल वन और रूल और बताता डिफेंडेंट इन द सिविल प्रोसीडिंग इसको रूल तीन और तीन ए बताता है तो कौन वादी होगा कौन प्रतिवादी होगा मैंने आपको बताया सिविल पक्षकार दो ही होंगे एक वादी होगा एक प्रतिवादी होगा तो इसीलिए चारों नियम यही बताते हैं वादी कौन होगा और प्रतिवादी कौन होगा तो एक एक करके हम लोगों को देखना है अब रूल्स तो मैंने यहां नहीं लिखा क्योंकि अगर रूल पे आप लिखेंगे तो बहुत ज्यादा लिखना पड़ जाएगा आपको पूरा सीपीसी ही लिखना पड़ जाएगा तो ये मैं आपको बता रहा हूं क्या लिखा हुआ है आप बेर एक्ट के माध्यम से इसको समझ जाएंगे आराम से अब इसको देखिए वादियों का संयोजन रूल एक और रूल दो सबसे पहले रूल एक पे आइए अगर मुझे मुकदमा दाखिल करना है तो मैं वादी हूं या दस लोगों को मुकदमा दाखिल करना है तो ये दस लोग वादी हैं क्वेश्चन है कि वादी बनेगा कौन ध्यान दीजिए तो इसमें एक फार्मूला है कि भी दी तो लिखा हुआ है वादी उन लोगों को बनाया जाएगा जिनके पक्ष में राइट टू रिलीफ एग्जिस्ट करता है ध्यान दीजिए उन सारे लोगों को वादी बना दिया जाएगा जिनके पक्ष में राइट टू रिलीफ अनुतोष का अधिकार जिनके पक्ष में है उनको वादी बना दिया जाएगा अब ये जो अनुतोष का अधिकार है ये उनके पक्ष में कैसे है तीन तरीका बताया गया है इसमें या तो ज्वाइंटली है या सेवरली है या अल्टरनेटिवली है ध्यान दीजिए तो अनुतोष का अधिकार उनके पक्ष में या तो ज्वाइंटली है या सेवरली है या अल्टरनेटिवली है तो इन लोगों को वाद का पक्षकार बना दिया जाएगा और दूसरा फार्मूला यह बोलता है कि अगर ये सारे अलग अलग मुकदमा दाखिल करें तो कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट विल एराइज ध्यान दीजिए अगर ये अलग अलग मुकदमा दाखिल करेंगे तो विधि या विधि का क्वेश्चन जो होगा वो अलग अलग एराइज हो जाएगा ठीक है ना तो क्वेश्चन ये है कि अगर अलग अलग मुकदमा दाखिल करेंगे तो विधि का और फैक्ट का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट वाइज इसका मतलब विधि का और इसका जो क्वेश्चन होगा वो एक ही होगा तो हम भी मुकदमा करें आप भी मुकदमा करें जैसे मान लीजिए यह पेन मिस्टर एक्स ले लेता है और यह पेन हम तीन लोगों से संबंधित है हमसे संबंधित है आशीष जी से संबंधित है और तुषार जी से संबंधित है मान लीजिए पेन और इसको किसी एक आदमी ने आकाश जी ने इस पेन को ले लिया तो अब मान लीजिए हम आकाश जी के खिलाफ मुकदमा करते हैं तो एक तो मुकदमा मैं करूंगा आकाश जी के खिलाफ इसी पेन के लिए एक मुकदमा आशीष जी करेंगे इसी पेन के लिए आकाश जी के खिलाफ और एक मुकदमा तुषार जी करेंगे आकाश जी के खिलाफ इसी पेन के खिलाफ तो पेन तो एक ही है हम तीनों उसके लिए इंटाइटल्ड है तो हम तीनों अलग अलग मुकदमा करेंगे तो तीन मुकदमा हो जाएगा न्यायालय में तो ऐसा नहीं करना है क्योंकि राइट टू रिलीफ जो है अनुतोष का जो अधिकार है वो हम तीनों लोगों में एक ही साथ एग्जिस्ट करता है तो क्यों ना हम तीनों मिल करके एक ही मुकदमा दाखिल करें तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोसीडिंग नहीं होगा नुमरस मुकदमे नहीं हो जाएंगे और कोर्ट ओवरबर्डन नहीं हो जाएगी ये सबके लिए एक ही तारीख पड़ेगी सारे बुलाए जाएंगे एक ही तारीख पर निपटारा हो जाएगा और तीन अगर मुकदमा होगा तो तीनों के लिए अलग अलग तारीख पड़ेगी तो मामला एक ही है लेकिन कोर्ट का समय कितना ज्यादा नुकसान होगा इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि अगर सारे लोग जो वादी हैं अगर सबके लिए राइट टू रिलीफ एग्जिस्ट करती है उन सबके फेवर में तो सारे प्लेंटिव बन जाएंगे अब राइट टू रिलीफ कैसे एग्जिस्ट करती है तो आगे बताया गया है कानून की भाषा है ज्वाइंटली सेवरली और अल्टरनेटिवली इसका मैं एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं जैसे मान लीजिए मैं किसी को पांच सौ रुपया दिया हूं आशीष जी ने भी उसी आदमी को पांच सौ रुपया दिया है और तुषार जी ने भी उसी आदमी को पांच सौ रुपया दिया है तो अब उस आदमी के लिए पांच सौ रुपए का मैं भी मुकदमा करता हूं पांच सौ रुपए का वो भी करते हैं और पांच सौ रुपए का वो भी करते हैं तो ये ठीक है अलग अलग है क्योंकि मैं अलग ट्रांजेक्शन में दिया हूं अलग ट्रांजेक्शन में दिए हैं वो अलग ट्रांजेक्शन में दिए हैं तो ये सेवरल मुकदमा इसमें हो जाएगा क्योंकि ये तीन अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हैं ये तो हो जाएगा लेकिन अगर मान लीजिए अल्टरनेटिवली है या तो मैं करूं या तो वो करें या हम सारे ज्वाइंटली करें या हम सारे अलग अलग करें जैसे मान लीजिए हम तीनों लोगों ने मिलकर के पंद्रह सौ रुपया मिस्टर एक्स को दिया है तीनों लोगों ने मिलकर के तो इसमें क्या होगा या तो हम तीनों मिलकर के एक साथ करें पंद्रह सौ रुपए के लिए लेकिन क्या तीनों अलग अलग करें ना क्योंकि इसमें हम तीनों एक साथ मुकदमा करेंगे।, करेंगे तो क्वेश्चन में, कर तो में एग्जिस्ट करेगी वो सारे लोग सिविल पक्षकार में वादी हो सकते हैं और दूसरा फार्मूला यह राइट टू रिलीफ नहीं एग्जिस्ट करती है लेकिन दूसरा फार्मूला सेटिस्फाई हो जाता है कि अगर ये अलग अलग मुकदमा लाएंगे तो सेम क्वेश्चन ऑफ लॉक्ट एराइज इसमें विधि का अगर एक ही क्वेश्चन एराइज होता है तो फिर इसमें सारे लोग एक ही मुकदमा करेंगे क्योंकि क्वेश्चन तो एक ही है अगर तीनों लोग अलग अलग भी करेंगे तो एक ही क्वेश्चन आएगा तो ये था रूल वन एज प्लेटिव तो इसमें दो फार्मूला है राइट टू रिलीफ मस्ट एग्जिस्ट इन दर ऑफ ऑल दी पर्सन इधर सेवरली और अल्टरनेटिवली और दूसरा फार्मूला है कि इफ दे ब्रॉट सेपरेट सूट देन कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉर फैक्ट टूट एराइज तो ये दो फार्मूला है अगर इन दोनों फार्मूला से, में से कोई भी सेटिस्फाई हो जाता है तो दे में भी ज्वाइन डैश प्लेन टीव इन वन सूट ये रूल वन है अब ध्यान दीजिए रूल दो क्या बोलता है रूल दो भी वादियों के संयोजन की बात करता है ज्वाइंडर आप प्लेंटिप्स की बात करता है रूल दो में लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए इस ज्वाइंडर से जो मैंने आपको एग्जाम्पल पीछे दिया आशीष जी का और अपना और तुषार जी का ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया अब मान लीजिए हम तीनों लोगों के एक साथ जोड़ने से क्या होता है कोर्ट को लगता है ये जो तीनों लोगों का एक साथ आना है ये है? इम्बेसिंग है या ये डिले इन ट्रायल है इसको अगर जोड़ देंगे ना तो देरी होगा ट्रायल में या ये असुविधा क्रिएट करेगा तो कोर्ट क्या कर सकती है कोर्ट के पास तीन ऑप्शन है रूल दो में लिखा हुआ है सारी बात कोर्ट के पास तीन ऑप्शन है पहला कोर्ट में पुट प्लेटिव ऑन दियर इलेक्शन ये लिखा हुआ है कोर्ट सारे वादियों को बुलाएगी और उनसे कहेगी कि भाई अगर आप सारे लोग एक साथ तीनों लोग मुकदमा दाखिल कर रहे हो तो यह डिले करेगा ट्रायल में ये देरी करेगा निपटारे में तो मैं आप ही लोगों पे छोड़ देता हूं कि आप लोग अलग अलग मुकदमा दाखिल करो तो प्लेटिव को ये इलेक्शन दे दिया जाएगा कि क्या आप लोग क्या क्योंकि भाई देखिए क्लेम करने के लिए हम गए हैं राइट हमारा प्रभावित हुआ है तो कोर्ट इसमें ज्यादा एक्टिव रोल नहीं लेगी कोर्ट कहेगी भाई राइट तो आप ही लोगों का है मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि नहीं भाई अगर आप लोग अलग अलग करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा नहीं तो ट्रायल होगा और, है। और, के पास दूसरा ऑप्शन है वो हम लोगों को ऑप्शन नहीं देगी हम लोग से कुछ नहीं पूछेगी और हम लोगों को अलग अलग कर देगी सेपरेट ट्रायल आर्डर कर देगी कहेगी नहीं इन तीनों लोगों का तीन मुकदमा चलेगा पूछे को तीसरा कोर्ट का डिस्क्रिप्स क्या है कोर्ट में पास एनी अदर ऑर्डर फॉर कॉन्सिक्वेंट रिलीफ कोर्ट और भी कोई आदेश पास कर सकती है जो कन्वीनियंट होगा इस मुकदमे के लिए तो कोर्ट के पास तीन ऑप्शन तो कोई जरूरी नहीं है कि ज्वाइंडर आप प्लेटिव हमेशा कोर्ट मान ही लेगी ठीक है हम तीनों को समझ में आ रहा है कि हम तीनों के लिए राइट टू रिलीफ हम लोगों के फेवर में एग्जिस्ट करती है या अगर हम सेपरेट मुकदमा लाएंगे तो कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट एराइज होगा ऐसा हम लोगों को महसूस हो रहा है और हम तीनों मिलकर के एक साथ मुकदमा कर दिए हमारे एक साथ मुकदमा करने से ही वो मुकदमा ज्वाइंड नहीं हो जाएगा अल्टीमेटली रूल दो में कोर्ट के पाले में जाएगा और कोर्ट देखेगी कि क्या ये इम्बेसिंग है और डिले इन ट्रायल है अगर ये इम्बरेसिंग नहीं है अगर ये डिले इन ट्रायल नहीं है तो कोई बात नहीं है फिर हम तीनों का एक साथ चलेगा लेकिन अगर ये इम्बरेसिंग है या डिले इन ट्रायल है तो कोर्ट के पास तीन ऑप्शन है या तो हम सभी लोगों को बुला के पूछेगी कि आप लोगों का क्या कहना है आप लोग अलग अलग हो जाओ या तो कोर्ट सीधे सेपरेट ट्रायल आर्डर कर देगी अलग अलग कर देगी या तो कोर्ट और कोई रिलीफ इसमें ग्रांट कर सकती है और कोई आदेश दे सकती है जो मुकदमे के साधारण और अच्छे से निपटारा के लिए उचित हो तो ये रूल दो है तो रूल एक और दो मिलकर के ये बताते हैं हु मे बी ज्वाइंड एज प्लेंटिप्स वादियों के रूप में कौन जोड़ा जा सकता है जिसको कानून की भाषा में एक फ्रेज में बोलते हैं ज्वाइंडर ऑफ प्लेंटिप्स वादियों का संयोजन जो आपको स्लाइड पे हेडिंग में दिख रहा है पहला इसको बोलते हैं ज्वाइंडर ऑफ प्लेंटिप्स वादियों का संयोजन ज्वाइंडर ऑफ प्लेंटिप्स ज्वाइंडर ऑफ प्लेंटिप्स ये रूल वन और रूल दो ज्वाइंडर ऑफ प्लेटिव पहली बात है। अब सेकेंड पॉइंट पे आइए दूसरे पे आइए ध्यान दीजिए ज्वाइंडर ऑफ डिफेंडेंट्स, प्रतिवादियों का संयोजन ज्वाइंडर ऑफ डिफेंडेंट्स, मैं इसको भी लिख दे रहा हूं ज्वाइंडर ऑफ डिफेंडेंट्स। इसमें रूल थ्री और थ्री ए है थ्री और थ्री ए ज्वाइंडर ऑफ डिफेंडेंट्स प्रतिवादियों का संयोजन ध्यान दीजिए भी देपेंडन्ट। देपेंडन्ट वो 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 तो में भी ज्वाइंड एज डिफेंडेंट डिफेंडेंट कौन तीन और तीन ए में है थोड़ा सा फर्क है वो उसके पक्ष में था यहां पे इसके विपक्ष में होगा क्योंकि विपक्षी पार्टी है तो क्या लिखा हुआ है रूल तीन में रूल तीन में लिखा हुआ है ऑल पर्सन में भी ज्वाइन एज डिफेंडेंट सारे लोग प्रतिवादी के रूप में जोड़े जा सकते हैं कौन जिनके लिए राइट टू रिलीफ एग्जिस्ट अगेंस्ट वहां पे हम लोगों ने क्या देखा राइट टू रिलीफ उन सबके पक्ष में यहां पे क्या है अनुतोष का अधिकार सबके विपक्ष में एग्जिस्ट होता है वही फार्मूला फार्मूलाइंटली और सेवरली और अल्टरनेटिवली लेकिन इसके विपक्ष में क्योंकि विपक्षी है अगर यह बात है दे मे बी ज्वाइन एज डिफेंडेंट क्योंकि राइट टू रिलीफ सबके विपक्ष में एक ही साथ राइज होती है चाहे ज्वाइंटली चाहे सेवरली चाहे अल्टरनेटिवली तो इन सब लोगों को डिफेंडेंट जोड़ दिया जाएगा और दूसरी बात क्या बोल रहा है सेम चीज वही बात जो वहां पे लिखा था अगर इनके खिलाफ मुकदमा लाया जाएगा अलग अलग तो कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट एराइच वहां पे क्या था अगर ये सारे लोग मुकदमा लाएंगे तो ये मुकदमा लाने वाले थे ये लोग हैं जिनके खिलाफ मुकदमा हो रहा है तो रूल थ्री बताता है इफ सेपरेट सूट इज टू बी ब्रॉट अगेंस्ट ऑल दीज पर्सन देन वॉट वुड हैपन देन कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और अगर इनके खिलाफ आप अलग अलग मुकदमा लाएंगे तो विधि का

रूल तीन ए पे क्या लिखा हुआ है अगर इन प्रतिवादियों के ज्वाइंडर से डिले इन ट्रायल है जैसे हम लोगों ने रूल दो में देखा था इन प्रतिवादियों के ज्वाइंडर से डिले इन ट्रायल है और चाहे इनके ज्वाइंडर से इंबेसिंग है मामला बड़ा उलझ जाएगा या इनके ज्वाइंडर से मामले के विचारण में देरी होगी ऐसा कोर्ट को लग रहा है तो कोर्ट क्या करेगी यहां पर जो रूल दो में हम लोगों ने देखा था कोर्ट के पास तीन ऑप्शन था कोर्ट या तो हम लोगों को बुला करके इलेक्शन पे देगी या कोर्ट खुद अलग कर देगी या कोर्ट और कोई कन्वीनियंट ऑर्डर पास कर देगी यहां वाले रूल थ्री ए में कोर्ट के के पास दो ही ऑप्शन है कोर्ट डिफेंडेंट को इलेक्शन पे नहीं बुलाएगी ध्यान दीजिए वहां प्लेटिव को इलेक्शन पे बुलाएगी कि भाई आप बताइए आपको क्या कहना है लेकिन डिफेंडेंट को नहीं बुलाएगी इसलिए नहीं बुलाएगी कि मुकदमा कौन लाया है प्लेंटिव डिफेंडेंट तो प्रतिरक्षा में आया है

इन तीनों रूलों और चारों रूलों को जब नियमों को जब एक साथ आप मिला देंगे रूल एक दो तीन और तीन ए तो इनको एक साथ बोलते हैं ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज ये जो अलग अलग मैंने लिखा था स्लाइड पे आप ध्यान दें इन दोनों को अगर एक साथ हम कहेंगे तो हम इसको क्या कहेंगे हम इसको कहेंगे ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज रूल एक से लेके तीन कैपिटल ए तक सिविल मुकदमे में पक्षकारों का संयोजन सिविल मुकदमे में पक्षकारों का संयोजन में बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स पॉइंट नंबर फर्स्ट सिविल मामले में वादियों का संयोजन पॉइंट नंबर सेकंड सिविल मामले में प्रतिवादियों का संयोजन तो ये जो ऑफ पार्टीज इसको दो भाग में बांट दिया ऑफ ऑप्लेटिव ज्वाइंडर ऑफ डिफेंडेंट ज्वाइंटर ऑप्लैंड रूल एक दो ज्वाइंडर ऑफ डिफेंडेंट रूल तीन तीन ए तो मैं समझ रहा हूं कि यह पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा ऑफ ऑप्लेटिव एंड ज्वाइंडर ऑफ डिफेंडेंट्स एंड मे बी दार्टी बिफोर द सिविल कोर्ट तो ये आपको समझ में आया होगा अब इसी कनेक्शन में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं ध्यान दीजिए अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है ठीक है वादियों का संयोजन हो गया और प्रतिवादियों का संयोजन हो गया अब इसके बाद ध्यान दीजिए रूल चार रूल चार आदेश एक का नियम चार वो क्या बोल रहा है वो कह रहा है कि कोई जरूरी नहीं है कि कोर्ट जो है सारे वादियों और प्रतिवादियों के खिलाफ या उसके पक्ष में मुकदमा सुनाए सुनाएगी कोई जरूरी नहीं है मान लीजिए एक मुकदमे में चार प्लेंटिव हैं और उस मुकदमे में चार डिफेंडेंट हैं और यह मामला मान लीजिए वादियों के पक्ष में डिसाइड होने जा रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि जितने चार वादी हैं पूरा मुकदमा चारों के पक्ष में डिसाइड किया जाएगा कोर्ट के द्वारा यह कोई ऑब्लिगेशन नहीं है लॉ का जनरल रूल ये है कि भाई जितने लोगों ने मुकदमा किया है सबको रिलीफ मिलेगी जनरल रूल ये है लेकिन मान लीजिए तीन लोगों ने जो मुकदमा जो चार लोगों ने मुकदमा किया था इसमें से तीन तो हैं वे लोग हैं वे लोग और चौथा ऐसा आदमी था जिसको रहना ही नहीं था लेकिन गलती से रह गया तो जब बाद का निर्णय होगा तो तीन ही लोगों को होगा क्योंकि तीन लोग ही इसके मटेरियल पक्षकार हैं तो तीन लोगों को होगा तो कोई जरूर नहीं है कि जितने लोग जोड़ दिए गए उन सबके लिए कोर्ट निर्णय देगी ही देगी चाहे वादी के रूप में चाहे प्रतिवादी के रूप में तो ये डिपेंड करेगा एट दी लास्ट ऑफ ट्रायल आफ्टर एविडेंसेस एंड विटनेसेस ये डिपेंड करेगा कोर्ट के विवेक के ऊपर कि क्या जनरल रूल तो ये भाई सबको दिया जाता है या सबके विपक्ष में दी जनरल रूल यही है लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सबको दिया ही जाएगा ये कोई कानून का मैंडेट नहीं है तो रूल चार हैज मेड इट क्लियर दैट रूल नियम चार इसको क्लियर करता है क्या क्लियर करता है कथा कोई आवश्यक नहीं है अगर न्यायालय को लगता है कि आउट ऑफ फोर एक जाने को कुछ नहीं दिलवाना है या आउट ऑफ फोर एक जाने के अगेंस्ट कुछ नहीं डिसाइड करना है एंड तो कोर्ट कोर्ट इस तरीके का का आदेश भी दे सकती है है यह नियम चार। नियम चार में कोर्ट का इसके बाद ध्यान दीजिए नियम पांच इसमें कुल तेरह नियम है मैंने आपको शुरू में बताया था नियम पांच पे आइए नियम पांच क्या बोल रहा है नियम पांच बोल रहा है कि कोई जरूरी नहीं है कि डिफेंडेंट उन सारे रिलीफ से इंटरेस्टेड हो जो आप उसके खिलाफ क्लेम करते हैं कोई जरूरी नहीं है जैसे मान लीजिए मैंने पांच रिलीफ क्लेम किया बीइंग हम है, है, हम आबादी हैं कोर्ट में मुकदमा करते हैं हम पांच रिलीफ क्लेम करते हैं तो ये जो पांच रिलीफ मैं क्लेम करता हूं कोई जरूरी नहीं है कि जितने अपोजिट पक्षकार हैं ये सारे इन पांचों रिलीफ से रिलेटेड हो मान लीजिए एक रिलीफ हम एक्स के खिलाफ क्लेम करते हैं दूसरी नंबर की रिलीफ हम वाई के खिलाफ क्लेम करते हैं और तीसरी चौथी पांचवी रिलीफ हम जेड के खिलाफ क्लेम करते हैं तो हम एक्स वाई जेड तीनों को इसमें प्रतिवादी बना देंगे हालांकि इसमें जो एक्स है यह चारों रिलीफ के लिए नहीं संबंधित है ये केवल एक रिलीफ से संबंधित है यही रूल पांच बोल रहा है कह रहा है कोई जरूरी नहीं है कि जितने प्रतिवादी हैं वो सारे जो रिलीफ प्लेंटिव क्लेम करता है सबसे संबंधित होंगे अगर आउट ऑफ ऑल द रिलीफ अगर वो एक से भी संबंधित है तो ही मे बी ज्वाइन एज डिपेंडेंट ध्यान दीजिए तो ये है रूल पांच ध्यान दीजिए इसको मैं समझ रहा हूं कि आपको समझ आ रहा होगा मैं बड़ी साधारण भाषा में मैं बेरेक्ट का कोई लैंग्वेज नहीं बोल रहा हूं आपके सामने तो ये है रूल पांच अब रूल छ पे आइए रूल छे बोल रहा है कि जितने लोग कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित होंगे सबको जोड़ दिया जाएगा ओ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मामला है संविदा भंग का मामला है तो ये एक दूसरी बात है अब संविधा पे जाना पड़ेगा मैं उतना डिटेल नहीं जा रहा हूं लेकिन रूल छे में भी एक बात है कि जितने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित है उनको भी जोड़ दिया जाएगा एक साथ रूल सात ध्यान दीजिए रूल सात अगर प्लेंटिव के दिमाग में डाउट है कि किसके खिलाफ हम रिलीफ क्लेम करें उसको नहीं पता है एक्चुअल डिफेंडेंट कौन है जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं मेरा घर है कानपुर के अंदर और रात में पता नहीं कौन आया मार करके हमारे गेट को तोड़ दिया तो मैं तो पीड़ित हूं हमारे घर का गेट तोड़ा गया है लेकिन हम नहीं जान रहे हैं कि कौन हमारे घर के गेट को तोड़ा है हाँ, इतना जरूर मैं उम्मीद लगा रहा हूं कि इस हमारे घर के गेट को हमारे तीन चार दुश्मन हैं तीन चार हमारे एनमीज हैं जो हमसे नहीं अच्छा मानते हैं हमको शायद वही किए होंगे ये मेरे दिमाग में है अब मान लीजिए हमारा एनमी नंबर वन एनमी नंबर टू एनमी नंबर थ्री तीन एनमीज हैं हमारे तो ये मुझे डाउट है किसने हमारे घर का गेट तोड़ा लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूँ चाहे एक्स तोड़ा होगा चाहे वाई चाहे जेड यही तीनों तोड़े होंगे चाहे एक दो तीन में से कोई तोड़ा होगा तो मैं डाउट में हूं कि अगेंस्ट हूं आई मे सॉट रिलीफ मैं किससे रिलीफ मांगू ये मैं डाउट में हूं तो मैं क्या करूंगा रूल सात बताता है आप इन सारों को प्रतिवादी बना दो तीनों को बना दो एक्स को भी बना दो वाई को भी बना दो जेड को भी बना दो और यह बात अपने क्लेम में आप लिख दो कि चूंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि हमारे घर का गेट कौन तोड़ा है लेकिन इतना जरूर है कि चाहे एक्स तोड़ा होगा चाहे वाई चाहे जेड तोड़ा होगा तो ऑल दी सस्पेक्टेड पर्सन में भी ज्वाइंड एज डिफेंडेंट इन तीनों को डिफेंडेंट बना दीजिए अब यह कोर्ट की जिम्मेदारी है साक्ष्य के आधार पर गवाहों के आधार पर यह निर्धारित करना कि एक्चुअली इसमें डिफेंडेंट अपोजिट पार्टी प्रतिवादी कौन है और किसके खिलाफ रिलीफ इनको दिलवाई जाए ये कोर्ट का काम है आप स्टेट करो आप कह दो और कथन करके आप खाली हो जाओ तो ये रूल सेवन बोलता है कि प्लेंटिव इन अगेंस्ट रिलीफ है तो देन प्लेंटिव में वादी को ठीक है ना तो ये था रूल सात रूल सात तक क्या देखा हम लोगों ने क्योंकि एक पूरा ग्रुप था रूल आठ से एक नया ग्रुप शुरू हो जाएगा तो मैं रूल सात तक फिर आपके दिमाग को क्लियर कर दूं कॉन्सेप्ट को रूल एक में हम लोगों ने देखा था प्लेंटिव के रूप में कौन ज्वाइन होगा रूल टू में देखा था कि अगर सारे लोग प्लेंटिव के रूप में ज्वाइन हो गए तो कोर्ट कोई जरूरी नहीं है कोर्ट सेपरेट भी कर सकती है या ज्वाइन भी चला सकती है रूल थ्री में हम लोगों ने देखा था प्रतिवादी के रूप में कौन ज्वाइन हो सकता है और फिर रूल थ्री ए में देखा कि अगर ज्वाइन भी हो गया तो कोई जरूरी नहीं है कि ज्वाइन नहीं रहेंगे कोर्ट सेपरेट भी कर सकती है रूल चार में हम लोगों ने देखा था देखा कि कोई जरूरी नहीं है कि कोर्ट केवल एक ही बंदे के खिलाफ मुकदमा सुनाए या एक ही के पक्ष में सुनाए या सारे के पक्ष में सुनाई ये कोई जरूर नहीं है ये कोर्ट के डिस्क्रिप्सन पे है कि सबके फेवर में सबके अगेंस्ट या कुछ एक के फेवर में कुछ एक के अगेंस्ट ये रूल चार में कोर्ट का डिस्क्रिप्सन है रूल पांच बोल रहा है कि अगर डिफेंडेंट इस तरीके से है कि उसमें किसको बनाना किसको नहीं बनाना तो अकॉर्डिंगली कोर्ट अफला उसको डिसाइड करेगी किसके खिलाफ रिलीफ क्लेम करना है रूल सात बताता है कि अगर ये लग रहा है किसके खिलाफ रिलीफ क्लेम करना है अगर ये प्लेटिव डाउट में है तो अकॉर्डिंगली इसको वो सबको बना देगा और कोर्ट उसमें रिलीफ दिलवा देगी तो ये रूल एक से लेकर सात तक का एक ग्रुप हम लोगों ने देखा अब रूल आठ में आइए रूल आठ अगले स्लाइड पे चलते हैं रूल आठ बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आर्डर वन का अगले स्लाइड में देखिए प्रतिनिधि वाद इसको बोलते हैं नियम आठ आदेश एक इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव सूट ध्यान दीजिए रिप्रेजेंटेटिव सूट रिप्रेजेंटेटिव सूट आर्डर वन रूल एट आर्डर वन रूल एट रिप्रेजेंटेटिव सूट यही प्रतिनिधिवाद रिप्रेजेंटेटिव सूट ध्यान दीजिए ये क्या है रिप्रेजेंटेटिव सूट इसमें छह सब रूल है सब रूल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इन सारे छह सब रूल को मैं आपको बताऊंगा अभी लेकिन इसको पहले आप समझें ये प्रतिनिधिवाद क्या है प्रतिनिधिवाद ये है रिप्रेजेंटेटिव सूट ये है अगर मान लीजिए कोई ऐसा काम है जिससे कई लोग प्रभावित हैं कई लोग प्रभावित हैं हजारों लोग प्रभावित हैं लाखों लोग प्रभावित हैं कोई ऐसा काम हो रहा है तो सभी लोग अगर अलग अलग मुकदमा दाखिल करेंगे उस मामले के लिए तो लाखों मुकदमा कोर्ट में पहुंच जाएगा और मामला क्या है एक ही मामला है तो रिप्रेजेंटेटिव सूट यह बात करता है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ गई है तो कोई जरूरी नहीं है कि लाखों मुकदमा हो इन सबके तरफ से एक ही आदमी मुकदमा क्यों ना दाखिल कर दे ताकि एक ही मुकदमा जाए एक ही जजमेंट हो और जज साहब को भी सारी चीजें कंसाइज और प्रिसाइज रूप में उनके पास पहुंचे और वो उचित निर्णय कर सके इसके लिए रिप्रेजेंटेटिव सूट की व्यवस्था जैसे मैं एक साधारण एग्जाम्पल आपको इसी कैंपस के अंदर बता दूं जैसे मान लीजिए आईआईटी कानपुर के पास इसके ठीक चारदीवारी के पीछे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो कानपुर का है वो ले आकर के शहर का कूड़ा डंप करना शुरू कर देता है वो कहता है कानपुर आई का कैंपस जो है शहर के बाहर है तो कूड़ा शहर से बाहर निकाल करके यहीं पर हम रख देते हैं फिर यहाँ से उठा के हम इसको कैसे डिस्ट्रॉय करना है ये सब हम बाद में देखेंगे और ले आकर के आई कानपुर के कैंपस के बाहर कहीं इकट्ठा कर देते हैं और इकट्ठा करते करते दो चार महीने छः महीने में बहुत ज़्यादा हो गया फिर पानी बरसा फिर वो सड़ा गला फिर उससे स्मेल आने लगी फिर कैंपस के अंदर रहने वालों को परेशानी हो रही है अगर आप दिल्ली के अंदर देखेंगे कूड़े का पहाड़ अगर आपको देगाजीपुर के पास देखेंगे आप रोहिणी की तरफ देख सकते हैं कूड़े का पहाड़ है जबरदस्त वाला कभी कभी जब उधर से हवा बहेगी तो उधर के रहने वाले लोगों को दिक्कत आती है क्योंकि स्मेल आ जाता है उसका क्योंकि कूड़े का पहाड़ सड़ गया सड़ करके उसमें से एमनॉक्सियस जो गैस हैं वो रिलीज हो रही हैं अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं थोड़ा भी आप जानते हैं केमिस्ट्री में क्या रिएक्शन होता है तो कैसी गैस निकलती है तो उस तरीके से प्रभावित हो जाएंगे लोग वही मान लीजिए सिचुएशन आई कानपुर के पास हो रही है तो क्वेश्चन यह है कि अब ये कूड़े से जो गार्बेज से जो जो, जो जो फ्लुएंट्स निकल रहे हैं इस फ्लुएंट से केवल एक आदमी नहीं प्रभावित है ऑल द रेजिडेंट्स एंड स्टूडेंट्स स्टूडेंट्साइडिंग विद इन द टेरिटरी विद इन द जोरिस्डिक विद इन द कैंपस ऑफ दिस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन वो सारे प्रभावित हो गए है कि नहीं है सबको दिक्कत होगी रहने में हम लोग भी बाहर से आ रहे हैं अगर दो दिन के लिए रुकेंगे हमको भी दिक्कत होगी तो क्वेश्चन है कि इसमें दिक्कत तो बहुत लोगों को हो रही है तो क्या ये सारे लोग अलग अलग मुकदमा जाकर जा के सिविल कोर्ट कानपुर में शुरू करें उस गार्बेज को हटाने के लिए अगर करेंगे तो जितने लोग हैं आप सोचिए ना कि कितना मुकदमा एक कोर्ट में होगा एक कोर्ट का भर, द, 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 कमरा ही भर जाएगा मुकदमों से क्योंकि लाखों मुकदमा चला गया इसी चीज को रोकने के लिए यह है आदेश एक नियम सीपीसी के अंदर जिसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव तो इसका एक कंडीशन है इसमें क्या लिखा हुआ है अगर इसका सब रूल वन देखेंगे रूल आठ का सब रूल वन देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है देयर मस्ट बी नूमरस पर्सन ध्यान दीजिए नूमरस पर्सन नूमरस पर्सन का क्या मतलब मोर देन टू आर मोर देन टू इसको नूमरस पर्सन बोलते हैं तो नूमरस में दो भी हो सकते हैं ऐसा नहीं है है कि कि का मतलब कोई एक लिमिटेड संख्या सौ से ज्यादा होंगे तो फिर आप कहेंगे सौ क्यों दो सौ से ज्यादा क्यों नहीं इसीलिए नूमरस का मतलब है दो या दो से अधिक जैसे ही दो या दो से अधिक होंगे वो पर्सन की कैटेगरी में आ जाएंगे इस रूल के तहत और वो इन्फिनेटम तक हो सकते हैं वो असंख्य हो सकते हैं लेकिन दो से ही शुरू हो जाएगा तो देर मस्ट बी नूमरस पर्सन एंड दीज नूमरस पर्सनस मस्ट हैव सेम इंटरेस्ट ध्यान दीजिएगा इसके आर्ड इस रूल के कंप्लायस के लिए ये बड़े इंपॉर्टेंट कैच वर्ड है दोनों नूमरस पर्सन होना चाहिए मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूं थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा नूमरस पर्सन नूमरस पर्सनस एंड दे मस्ट हैव सेम इंटरेस्ट सेम इंटरेस्ट ध्यान दीजिए ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है नूमरस पर्सन हैविंग सेम इंटरेस्ट पर्सन का मतलब मैंने आपको बता दिया दो या दो या से अधिक असंख्य तक एंड ये सारे हैव सेम इंटरेस्ट सेम इंटरेस्ट का क्या मतलब आइडेंटिकल इंटरेस्ट सिमिलर नहीं ध्यान दीजिए सेम का मतलब आइडेंटिकल सेम का मतलब सिमिलर नहीं आइडेंटिकल का मतलब जैसे मैं कूड़ा का एग्जाम्पल दिया थोड़ी देर पहले ये आइडेंटिकल इंटरेस्ट है लेकिन मान लीजिए अलग अलग कूड़े की बात है कानपुर के अलग अलग जगहों में तो ये सिमिलर इंटरेस्ट है तो रिप्रेजेंटेटिव सूट सिमिलर इंटरेस्ट की बात नहीं करता अगर अलग अलग जगहों की बात है तो उसके अलग मुकदमे जाएंगे भले नूमरस पर्सन प्रभावित हैं तो केवल नूमरस पर्सन से काम नहीं चलेगा सेम इंटरेस्ट भी होना चाहिए आइडेंटिकल इंटरेस्ट भी होना चाहिए तो अगर नूमरस पर्सन है एंड दे देविंग सेम इंटरेस्ट देन दे मे इंस्टीट्यूट वन सूट ध्यान दीजिए दे मे इंस्टीट्यूट वन एंड ओनली वन सूट वो केवल और केवल एक ही मुकदमा दाखिल कर सकते हैं ऐसा लिखा हुआ है होनी चाहिए। मुकदमा दाखिल कर सकते हैं अब जब ये एक मुकदमा दाखिल करेंगे तो आगे का क्या प्रोसीजर है इसका सब रूल टू आप ध्यान दीजिए सब रूल टू सब रूल टू में लिखा हुआ है कि जब नूमरस पर्सन के बिहार से एक ही सूट फाइल होगा सेम इंटरेस्ट के लिए तो कोर्ट क्या करेगी जैसे यह मुकदमा दाखिल होगा कोर्ट की जिम्मेदारी है कि ये सारे लोगों को नोटिस सर्व करे जितने इससे इंटरेस्टेड है मान लीजिए आई कानपुर कैंपस के अंदर रहने वाले जितने लोग हैं वो चाहे प्रोफेसर हैं वो चाहे डायरेक्टर्स हैं वो चाहे साधारण टीचर्स हैं वो चाहे बाहर से आए हुए विजिटर्स हैं वो चाहे सेकेंड क्लास इंप्लाई हैं थर्ड क्लास इंप्लाई हैं प्यून्स हैं स्वीपर्स हैं गार्ड्स हैं जितने हैं इन सबको नोटिस दिया जाएगा ध्यान दीजिए कि भाई आप सारे इंटरेस्टेड लोग हैं और आपके भी से एक मुकदमा फाइल हुआ है तो आप इस सब चीज सब लोग जान लें कि आपके भी से मुकदमा फाइल हुआ है तो इसके लिए सबको नोटिस दी जाएगी अब क्वेश्चन है कि इतने लोगों को नोटिस कैसे दी जाएगी पता भी नहीं है डेफिनेट मैं तो आज आया कल चला जाऊंगा तो हमको नोटिस कैसे मिलेगी या जो बंदा ऐसा है जिसको नहीं जानता जो रोल पे नहीं है कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है जो दो घंटे के लिए आता है उसको नोटिस कैसे जाएगा कने का मतलब बड़ा इनकन्वीनियंस हो जाएगा तो इसमें दो बातें हैं सब रूल टू में दो बातें लिखी हुई हैं अगर ये बंदे डेफिनेट हैं जैसे मान लीजिए पचास लोगों का ग्रुप है और पचास लोगों को हम जानते हैं हमारे पास लिस्ट है उनकी तब तो हम पचासों को या तो मेल से भेज देंगे चाहे लेटर से भेज देंगे चाहे प्रोसेस सर्वर को भेज करके सूचना दिलवा देंगे फैक्स कर देंगे व्हाट्सएप कर देंगे कुछ भी कर देंगे क्योंकि डेफिनेट लोग हैं लेकिन मान लीजिए इनडेफिनेट लोग हैं जिसमें कि सबको नोटिस दिलवाना असंभव है सबका कलेक्शन नहीं है अपने पास ये स्केटर्ड लोग हैं बिखरे हुए लोग हैं तो इस दशा में पब्लिक नोटिफिकेशन दिया जाता है न्यूज पेपर में निकाल दिया जाएगा जिसका कैंपस के अंदर सर्कुलेशन हो और यह मान लिया जाएगा कि इसको सभी लोगों ने पढ़ लिया है तो इसको हम पब्लिक नोटिफिकेशन बोलते हैं थ्रू पब्लिक नोटिफिकेशन तो ऐसा कोर्ट करती है अगर डेफिनेट लोग हैं तब तो चिट्ठी के थ्रू अगर डेफिनेट नहीं है तो पब्लिक नोटिफिकेशन के थ्रू लेकिन ये मैंडेटरी है या तो चिट्ठी के थ्रू चाहे पब्लिक नोटिफिकेशन के थ्रू सबको नोटिस जाएगी कि आपके बिहार से एक सूट फाइल हुआ है जिसमें यू आर ऑल्सो पार्टी तो ये सब रूल टू है सबको नोटिस जाएगी अब ध्यान दीजिए जब सबको नोटिस जाएगी तो सब रूल थ्री क्या कहता है सब रूल थ्री कहता है कि मान लीजिए इसमें से कोई एक आध ऐसे आदमी है जो कैंपस के अंदर तो नहीं रहते लेकिन थोड़ा हट के रहते हैं वो भी उससे प्रभावित है और वो चाहते हैं हम भी इसमें पार्टी बन जाए तो सब रूल थ्री में उनको भी राइट है वो चले जाएंगे कोर्ट में अलग से एप्लीकेशन देंगे कहेंगे जज साहब मैं कैंपस में तो नहीं मैं बाहर रहता हूं मैं भी इस कूड़े से प्रभावित हूं हमको भी पार्टी बना दिया जाए तो उनको भी पार्टी के रूप में जोड़ दिया जाएगा ये सब रूल थ्री है अब सबरूल थ्री में जब वो भी जोड़ दिया गया सबरूल फोर में आइए अब मान लीजिए सब जोड़ दिए गए जितने पॉसिबल है मुकदमा चल पड़ा अब जब मुकदमा चल पड़ा अब इस मुकदमे में किसी भी तरीके की कंप्रोमाइज इस मुकदमे को कभी भी वापस ले लेना ये केवल एक ही आदमी नहीं कर सकता जिसके नाम से मुकदमा हुआ है ध्यान दीजिए ना इसको करने के लिए फिर सबकी कंसेंट लेनी पड़ेगी मान लीजिए उस मुकदमे को वापस लेना है म्यूंसिपल कॉर्पोरेशन कानपुर आता है और वो कहता है कि ठीक है भाई हम कूड़ा यहां से हटा लेते हैं आप लोग मुकदमा वापस ले लीजिए और कानपुर मुंसिपल कॉर्पोरेशन ने कूड़ा अपना सब हटा लिया साफ कर दिया अब मुकदमे को वापस करना है तो फिर सबको नोटिस जाएगी कि भाई ऐसी ऐसी, ऐसी बात हुई जो रिलीफ आप मांग रहे थे वो तो म्यूंसिपल कॉर्पोरेशन ने पूरा कर दिया अब आपको मुकदमा वापस लेना है आप लोगों का क्या कहना है तो हम सारे अगर कंसेंट करेंगे तो मुकदमा वापस हो जाएगा लेकिन कंसेंट अगर नहीं करते हैं हम कहते हैं नहीं भाई ये तो हटाने में कूड़ा छह महीना लगा दिए छह महीना तो हम लोगों को परेशानी हुई हम लोग मुकदमा दाखिल किए हमको तो सांस की बीमारी हो गई कारपोरेशन से कहिए पैसा भी हम लोगों को दे कंपनसेशन हमको चाहिए यह भी अगर हम कह रहे हैं तो ये, ये कंसेंट सबकी चाहिए इसीलिए विड्रॉल नहीं होगा वापस नहीं लिया जाएगा मुकदमा कंप्रोमाइज नहीं होगा कब तक जब तक कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टीज नहीं है तो सबका कंसेंट होना चाहिए यह सब रूल फोर में लिखा हुआ सब रूल फाइव कहता है रूल आठ का कि ड्यू डेलीजेंस क्लाज ध्यान दीजिए ड्यू डेलीजेंस अगर वो बंदा जो मुकदमा दाखिल किया है मान लीजिए हम सभी लोगों की तरफ से डायरेक्टर आईआईटी कानपुर ने मुकदमा दाखिल किया है और हम लोगों को लग रहा है कि डायरेक्टर आईआईटी आई कानपुर ने इस मुकदमे को ड्यू इंटेलिजेंस नहीं चला रहे हैं कायदे से नहीं चला रहे हैं इस इसमें अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा काम है तो सारे कामों में ज्यादा इन्वॉल्व है इस काम को ज्यादा कायदे से देख नहीं पा रहे हैं ड्यू टू एनी रीजन व्हाट्सएप तो इसमें से हम चले जाते हैं हम कहते हैं कि नहीं नहीं साहब ये मुकदमा में तो हम हार जाएंगे क्योंकि जिस बंदे ने मुकदमा हम लोगों के भी आपसे फाइल किया है वो तो बहुत ही काम करने वाला आदमी है उसको बहुत काम है इस काम को देख ही नहीं रहा है आप हमको इसमें प्लेटिव बनाइए हम इसको देखेंगे उनको हटा दीजिए ऐसा भी हम कर सकते हैं तो ड्यू ड्यूटेजेंस हमको साबित करना पड़ेगा हमको डेटरीमेंट साबित करना पड़ेगा अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है उनको हटा करके हमको बना देगी और मैं इस मुकदमे को सबके भी आपसे देखने लगूंगा ऐसा भी हो सकता है लेकिन ड्यू ड्यूटेलीजेंस साबित करना पड़ेगा ये सब रूल फाइव है और इसका सब रूल सिक्स क्या है यह कहता है अगर डिक्री पास हो जाती है इसमें सुनवाई के बाद जब डिक्री पास हो जाती है या पक्ष में या विपक्ष में तो यह डिक्री सबके ऊपर बंधनकारी होगी ऐसा नहीं होगा कि डिक्री पास हो गई तो हम बाद में कहें कि नहीं नहीं ये तो मुकदमा आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर के नाम से शुरू हुआ था मैं तो उसमें नहीं था तो इसलिए मैं फिर इस पर मुकदमा करूंगा ना आप भले नहीं थे लेकिन पब्लिक नोटिस के थ्रू आप पार्टी बना दिए गए थे और इसलिए आप अलग से मुकदमा दाखिल नहीं करेंगे दिस डिक्री विल बी बाइंडिंग अपॉन यू

इसमें कोई बंदा अगर छूट जाता है तो फिर से पार्टी बन जाएगा सब रूल थ्री में सब रूल फोर में लिखा हुआ है कि वो ड्रावल नहीं होगा कंप्रोमाइज नहीं होगा जब तक तो फिर से सबका कंसेंट नहीं होगा सब रूल फाइव बोलता है अगर ड्यू ड्यूटेलिजेंस से काम नहीं कर रहे हैं तो दूसरा बंदा जोड़ दिया जाएगा उसमें वो देखेगा इसको और सब रूल सिक्स कहता है जब डिक्री पास हो जाएगी तो डिक्री विल बी बाइंडिंग अपॉन ऑल तो ये था आर्डर एक नियम आठ आदेश एक नियम आठ रिप्रेजेंटेटिव तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा हम लोगों ने दो बात इसमें देखा

रूल आठ ये तीसरा डायमेंशन था इस पूरे आदेश का तीसरा डायमेंशन ये करा है कि रिप्रेजेंटेटिव हो जिसमें नुमरस पर्सन सेम इंटरेस्ट दे इंस्टीट्यूट वन एज पर दिस प्रोसीजर तो ये तीन बात हम लोगों ने देख लिया अब इसमें चौथे पॉइंट पे आते हैं चौथा एक पॉइंट है इस आदेश एक का जो अगली स्लाइड में आपको दिखेगा अगर आप ध्यान दें तो अगली स्लाइड में आप देखें चौथा इसका मॉड्यूल क्या है चौथा मॉड्यूल है असंयोजन तथा कुसंयोजन ध्यान दीजिए मिस ज्वाइंडर एंड नॉन ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज लास्ट पोर्शन है इस आर देश का लास्ट पोर्शन है और इसी में हम कंक्लूड करेंगे इसको असंयोजन तथा तो कुसंयोजन नियम एक से लेकर तेरह तक और कुल इसमें तेरह नियम है मैंने आपको बताया था तो यहीं पे आके ये खत्म हो जाएगा असंयोजन एंड कुसंयोजन इसको बोलते हैं मिस एंड नॉन ज्वाइंडर ध्यान दीजिए मिस एंड नॉन ज्वाइंडर मिस एंड नॉन ज्वाइंडर इसको बोलते हैं यह है रूल नौ में रूल नाइन ऑफ आर्डर वन सारा ये ऑर्डर वन की बात हो रही है आप ध्यान ध्यान रखें आदेश एक की बात हो रही है सीपीसी के अंदर तो मिस ज्वाइंडर एंड नॉन ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज नियम नौ ध्यान दीजिए क्या है नियम नौ मिस ज्वाइंडर एंड नॉन ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज इसको मैं बताऊं बड़ा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है मिस ज्वाइंडर एंड नॉन ज्वाइंडर असंयोजन तथा कुसंयोजन इसको बोलते हैं लिखा भी है हिंदी में आपके स्लाइड पे असंयोजन तथा कुसंयोजन कुसनियोजन एंड नॉन ऑफ पार्टीज अब इन दोनों को अलग अलग समझना है मिस का क्या मतलब और नॉन ज्वाइंडर का क्या मतलब तो सबसे पहले आइए मिस ज्वाइंडर वॉट इज द मीनिंग ऑफ मिस ज्वाइंडर मिस ज्वाइंडर का मतलब रूल एक और रूल तीन का कंप्लायंस नहीं हुआ है नियम एक नियम तीन को ध्यान में नहीं रखा गया है और बंदे को वादी या प्रतिवादी के रूप में जैसा भी स्थिति है जोड़ दिया गया है तो इसको हम बोलते हैं मिस ज्वाइंडर नियम एक और नियम तीन थोड़ा सा आप वहां पे अपना दिमाग ले जाएं थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था नियम एक क्या बोलता है ज्वाइंडर ऑफ प्लेटिव नियम तीन क्या बोलता है ज्वाइंडर ऑफ डिफेंडेंट और फार्मूला बताया गया है कौन प्लेन्टिव के रूप में किस दशा में जोड़ा जाएगा कौन डिफेंडेंट के रूप में किस दशा में जोड़ा जाएगा ये हम लोगों ने रूल एक और तीन में देखा था अब मान लीजिए रूल एक का कंप्लायंस नहीं हो रहा है रूल एक के एसेंशियल एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं फिर भी आपने उस आदमी को प्लेंटिव जोड़ दिया या रूल तीन का एसेंशियल एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं हुआ है फिर भी उसको आपने डिफेंडेंट जोड़ दिया तो ये जो सिचुएशन है इसको हम बोलते हैं मिस ज्वाइंडर की सिचुएशन ठीक है और जो नॉन ज्वाइंडर है अलग बात है नॉन ज्वाइंडर कर रहा है कि जब नेसेसरी और प्रॉपर पार्टी नहीं जोड़े गए हैं ध्यान दीजिए नेसेसरी और प्रॉपर पार्टी नहीं जोड़े गए हैं मुकदमे में अब नेसेसरी पार्टी कौन है और प्रॉपर पार्टी कौन है नेसेसरी पार्टी वो आवश्यक पक्षकार आवश्यक पक्षकार वो पक्षकार है जिसका मुकदमे में होना अति आवश्यक है अगर वो मुकदमे में नहीं होगा तो मुकदमा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता ऐसे पक्षकार को हम बोलते हैं वास्तविक पक्षकार नेसेसरी पार्टी ठीक है ना नेसेसरी पार्टी जरूरी पक्षकार है यह आवश्यक पक्षकार है इसका होना बहुत जरूरी है जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं एक संपत्ति का विवाद है और संपत्ति के बंटवारे का मुकदमा है कोटाफला में तीन भाई हैं और बंटवारे के लिए केवल दो ही भाई जाते हैं एक्स और वाई जाते हैं जेड जो तीसरा भाई है वो नहीं जाता है मुकदमे में तो क्या संपत्ति का बंटवारा हो जाएगा क्योंकि इस संपत्ति को तो तीन भाग में बांटना है और बांटने के लिए दो ही लोग कर रहे हैं तीसरा तो उसमें आया ही नहीं तो कैसे बंटवारा होगा तो नेसेसरी पार्टी नहीं है उसमें जब तक जेड नहीं आएगा इस संपत्ति का बंटवारा ही नहीं हो सकता क्योंकि ऑल दो प्रॉपर्टी मस्ट बी डिवाइडेड इनटू थ्री इक्वल पार्ट्स टू थ्री डिफरेंट पार्ट्स इक्वल पार्ट्सार्ट केस में भी हो सकता है कि एक जो ये जो दोनों भाई हैं ये एक माँ की संतान है वो दूसरी माँ की संतान है स्ट्रिप और हेड में कोई फर्क है एज पर लॉ तो शेयर अलग भी हो सकता है तो क्वेश्चन है कि जितने भी लोग हैं जो प्रॉपर्टी को क्लेम करने हैं जो हिस्सेदार हैं चाहे इक्वल हिस्सेदार हैं चाहे अलग अलग हिस्सेदार हैं इन सबका होना वहां जरूरी है अगर ये सारे नहीं होंगे तो पार्टीशन का सूट आगे नहीं बढ़ेगा तो इनको हम बोलते हैं नेसेसरी पार्टी सारे भाई होने चाहिए तब तब बंटवारे का मुकदमा आगे बढ़ेगा नहीं तो जब तक सारे नहीं आएंगे मुकदमा रुका रहेगा आवश्यक पक्षकार है नेसेसरी पार्टी है। अब प्रॉपर पार्टी पे आइए थोड़ा सा प्रॉपर पार्टी ऐसा पार्टी है जिसका होना तो ठीक है अगर रहेगा तो ठीक है कोई वो दिक्कत नहीं है उसको हटाने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर नहीं भी रहेगा ना तब भी सिविल मुकदमा आगे बढ़ जाएगा और उसका निस्तारण भी हो जाएगा तो ये कौन पक्षकार है भाई जैसे मान लीजिए मैं एक एक इसी इसी मुकदमे को थोड़ा आगे बढ़ाइए पार्टीशन का मामला था तीन भाई थे तीनों भाई तो पहुंच गए हैं उसके साथ साथ एक भाई का एक लड़का भी है और जो दो भाई हैं अभी उनकी शादी नहीं हुई है तो जो एक भाई है उसका लड़का भी उसमें पार्टी है ध्यान दीजिए माने जो बड़ा वाला भाई है वो भी पार्टी है उसका लड़का भी पार्टी है और ये दोनों भाई उसमें पार्टी है ये सब पार्टी बने हुए हैं तो जो बड़े वाले भाई का लड़का है वो कैसा पार्टी है वो प्रॉपर पार्टी है उसका होना ना होना कोई बहुत जरूरी नहीं है अगर वो नहीं भी होगा तब भी काम चल जाएगा क्योंकि वो आवश्यक पक्षकार नहीं है वो नेसेसरी पार्टी नहीं है वो प्रॉपर पार्टी है होगा तो अच्छा है क्योंकि आगे का सक्सेसर वो भी है वो भी सुनेगा चीजों को उसको भी क्लियरिटी होगी बहुत अच्छा होगा लेकिन अगर नहीं भी है तो मुकदमा रुकेगा नहीं मुकदमे का निस्तारण हो जाएगा और प्रॉपर्टी का बंटवारा हो जाएगा तो क्वेश्चन ये है कि अगर प्रॉपर और नेसेसरी पार्टी नहीं जोड़े गए हैं तो ये सिचुएशन है नॉन ज्वाइंडर का और रूल एक और रूल तीन का कंप्लायंस नहीं हुआ है तो यह सिचुएशन है मिस ज्वाइंडर का तो मिस ज्वाइंडर एंड नॉन ज्वाइंडर अब रूल नाइन में लिखा क्या है ध्यान दीजिए अभी तो हम लोगों ने यह समझाया ये मिस ज्वाइंडर का सिचुएशन है या नॉन ज्वाइंडर का सिचुएशन है अब मान लीजिए मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर हो गया किसी मुकदमे में माने रूल एक और तीन का कंप्लायंस नहीं हुआ या नेसेसरी और प्रॉपर पार्टी का जुड़ाव या घटाव नहीं हुआ अगर ऐसी बात हो गई तो क्या होगा रूल नाइन लिखता है कि मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर से मुकदमे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुकदमा चलता रहेगा ये बाद में पार्टी जोड़े घटाए जा सकते हैं ऐसा नहीं है कि पहले पक्षकार डेफिनेट किए जाएंगे तब मुकदमा आगे बढ़ेगा क्योंकि पक्षकार का डेफिनेट किया जाना अंतिम स्टेज तक चलता रहेगा तो मिस ज्वाइंडर नॉन ज्वाइंडर से सूट के चलने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा लेकिन अगर नॉन ज्वाइंडर नेसेसरी पार्टी है ध्यान दीजिए लिखा हुआ है उसमें रूल नाइन में अगर सिचुएशन नॉन ज्वाइंडर नेसेसरी पार्टी की है आवश्यक पक्षकार का जुड़ाव नहीं हुआ है तब सूट प्रभावित हो जाएगा ध्यान दीजिए तो न तो मिस ज्वाइंडर से फर्क पड़ेगा मुकदमा चलता रहेगा न तो नॉन ज्वाइंडर आप प्रॉपर पार्टी से फर्क पड़ेगा मुकदमा चलता रहेगा लेकिन जो तीसरी सिचुएशन है नॉन ज्वाइंडर आप नेसेसरी पार्टी इससे फर्क पड़ जाएगा और मुकदमा स्टॉप हो जाएगा और कब तक स्टॉप रहेगा जब तक नेसेसरी पार्टी इसमें आके जुड़ती नहीं है तब तक रुक जाएगा यह नियम नौ बता रहा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मिस ज्वाइंडर इन सिविल प्रोसीडिंग एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नॉन ज्वाइंडर इन सिविल प्रोसीडिंग

कोर्ट में स्ट्राइक आउट आर एड पार्टी ध्यान दीजिए कोर्ट स्ट्राइक आउट कर स्ट्राइक आउट का मतलब काट करके उसका नाम निकाल दिया जाना स्ट्राइकिंग आउट कोर्ट में एड पार्टी ए एडबल डी जोड़ सकती है एडिशन जोड़ सकती है तो कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है किसी भी स्टेज पे कभी भी न्यायालय पार्टियों के नाम को काट के हटा सकती है और उसके नाम को जोड़ सकती है कभी भी यह न्यायालय का डिस्क्रिप्शन हालांकि एक स्टेज बताया गया है लेकिन फिर भी कोर्ट उसके आगे भी बढ़ सकती है तो कभी भी पार्टियों को जोड़ना घटाना ये कोर्ट का प्रोरोगेटिव है और ये कर सकती है ये रूल दस में लिखा हुआ है रूल ग्यारह ध्यान दीजिए रूल ग्यारह रूल ग्यारह भी इसी तरीके की बात करता है कंडक्ट ऑफ सूट के लिए पक्षकारों को जोड़ा जाना इसी तरीके से एक और है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है उसको मैं स्किप कर रहा हूं रूल बारह पे आइए रूल बारह रूल बारह क्या बोल रहा है रूल बारह ये बोल रहा है कि मान लीजिए पांच प्लेटिव है जिन्होंने मुकदमा दाखिल किया है या पांच डिफेंडेंट हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दाखिल हुआ है तो क्या कोई जरूरी है कि ये सारे प्लेंटिव हर डेट पे मुकदमा में आए पांचों अगर पांच हैं तो या पांचों अगर डिफेंडेंट हैं तो पांचों मुकदमा में आए हर डेट पे कोई जरूरी है तो नियम बारह इसको एक रिलैक्सेशन प्रदान करता है पार्टियों को क्या रिलैक्सेशन है क्या एक तरीके से उसमें छूट प्रदान करता है कहता है देखिए अगर एक बंदे को सभी लोगों ने एथराइज कर दिया पांचों लोगों ने कि तुम ही जाओ हम लोगों की तरफ से अपना पक्ष रखो अगर वादी हैं तो और प्रतिवादी हैं तो वो सारे एक ही को एथराइज कर दिए हैं कि तुम ही जाओ हम लोगों की तरफ से हम लोगों का भी डिफेंस रखो तो कोई जरूर नहीं है कि पांचों आएंगे उसमें से एक भी आएगा तब भी काम चल जाएगा वो आकर के सबकी बात बताएगा क्योंकि वो एथराइज है सबके भी आपसे उसके क्लेम को करने के लिए या अगर प्रतिवादी है तो उसके तरफ से उसका डिफेंस लेने के लिए तो कुल के भी आपसे अगर एक भी जाएगा तब भी काम चल जाएगा तो कोई जरूरत नहीं है न्यायालय में भीड़ की जरूरत नहीं है न्यायालय में उचित बात पहुंचने की जरूरत है नेताजी की रैली नहीं है कि उसमें भीड़ जितना ही अच्छा रहेगा उतना ही तालियां बजेंगी ना वहां पे कम से कम लोग पहुंचे न्यायालय में भीड़ भी कम हो और सही बात न्यायालय तक पहुंच भी जाए न्यायालय की ये मनसा है और यही कानून की भी मनसा है इसीलिए रूल बारह में लिखा हुआ है कि आउट ऑफ ऑल द्लेंटिव इफ वन प्लेटिव अपियर ऑन बिहाफ ऑफ ऑल एंड देव एथराइज दैट पर्टिकुलर पर्सन टू टेक क्लेम अगेंस्ट देम इन फेवर ऑफ द तो वो एक ही पहुंचेगा और सबके क्लेम को करेगा और यही फार्मूला डिफेंडेंट पे भी अप्लाई होगा तो रूल ये रूल बारह अब आ जाइए अंतिम नियम तेरह नियम तेरह क्या बोल रहा है नियम तेरह ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्शन इज टू मिस ज्वाइंडर एंड नॉन ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज रूल नौ जब पढ़ते हैं तो तुरंत रूल तेरह पे भी ध्यान लगाते हैं ध्यान दीजिए रूल नौ हम लोगों ने देखा मिस ज्वाइंडर एंड नॉन ज्वाइंडर ये हम लोगों ने देखा तो मिस इंडर हो गया या नॉन ज्वाइंडर हो गया हम लोगों ने देख लिया मिस एक तीन का नहीं हुआ, तो जाएगा जब तक वो नहीं आएगा तब तक नहीं आगे बढ़ेगा यही रूल न, 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 नौ था रूल नाइन था अब रूल तेरह क्या बोलता है मान लीजिए मिस ज्वाइंडर का सिचुएशन है चलो मुकदमा तो चलता रहेगा मिस ज्वाइंडर पर रूल नौ में लिखा हुआ है लेकिन मिस ज्वाइंडर है या नॉन ज्वाइंडर का सिचुएशन है चाहे वो नॉन ज्वाइंडर प्रॉपर पार्टी का है चाहे नेसेसरी पार्टी का है अगर प्रॉपर पार्टी का है तो फिर भी मुकदमा चलता रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा नेसेसरी पार्टी का होगा तब तो मुकदमा रुकेगा लेकिन सिचुएशन कोई भी हो चाहे पहली चाहे दूसरी चाहे तीसरी अगर ये मिस ज्वाइंडर नॉन ज्वाइंडर प्लेंटिव का है या ये भी हो सकता है मिस ज्वाइंडर नॉन ज्वाइंडर डिफेंडेंट का है ये दोनों में से किसी का हो सकता है अगर मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर प्लेंटिव का है तो इसके खिलाफ ऑब्जेक्शन कौन लेगा डिफेंडेंट क्योंकि हमारा सिस्टम क्या है एडवर्सरी लिटिगेशन है हमारा तो एडवर्सरी लिटिगेशन में में एडवर्सरियल सिस्टम अपोजिट पार्टी इसका इसका क्लेम करेगा कोर्ट में कहेगा नहीं जज साहब ये जो पक्षकार जोड़े गए हैं ना जो हमारे खिलाफ मुकदमा दाखिल किए हैं इसमें मिस ज्वाइंडर है या इसमें नॉन ज्वाइंडर है तो बताएगा रूल एक है रूल तीन है नेसेसरी है प्रॉपर है वो बताएगा इस चीज को मान लीजिए डिफेंडेंट का मिस ज्वाइंडर या नॉन ज्वाइंडर है तो इसका ऑब्जेक्शन कौन लेगा प्लेंटिव लेगा और जाकर के कोर्ट को बताएगा जज साहब हेयर इज द सिचुएशन ऑफ वायलेशन ऑफ रूल नाइन बिकॉज सिचुएशन ऑफ नॉन एग्जिस्ट इन दिस मैटर यह बात ही बताएगा तो इस तरीके से अगर इनका मिस ज्वाइंडर नॉन ज्वाइंडर है तो वो बताएंगे उनका मिस ज्वाइंडर नॉन ज्वाइंडर है तो ये बताएंगे और जब बताएंगे तो इसको कब तक रेज करना है अगर मिस ज्वाइंडर प्लेंटिव का है डिफेंडेंट रेज करता है तो कब तक रेज करेगा अर्लिएस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी और अर्लिएस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब ऑन आर बिफोर द सेटलमेंट ऑफ ही ध्यान दीजिए विवादकों की विरचना तक या उससे पहले यह लिखा हुआ है उसमें तो अगर वादियों का असंयोजन है या कुसंयोजन है तो प्रतिवादी इसका ऑब्जेक्शन रेज करता है तो ऑब्जेक्शन रेज करना चाहेगा कर सकता है लेकिन जितना जल्दी संभव हो सके उतना जल्दी रेज करो और सेटलमेंट ऑफ इशूज के पहले रेज करो उसी तरीके से प्रतिवादियों का संयोजन है या कुछ संयोजन है तो वादी रेज करेगा वादी के लिए भी वही रूल थर्टीन में बताया गया है अर्लीएस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी में आप रेज करेंगे जितना जल्दी संभव हो सके उतना जल्दी आप ऑब्जेक्शन रेज करें और जितना जल्दी का मतलब ऑन और बिफोर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज वही बात उसी समय तक आपको रेज करना है अगर तब तक आप नहीं रेज करें तो क्या होगा ध्यान दीजिए तब तक अगर आप नहीं रेज करें तो क्या होगा इशू सेटल हो गया और इसके बाद आपको रेज करना है तो क्या होगा तब आपको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी अगर कोर्ट परमिट करेगी तब आप करोगे और फिर भी अगर आप नहीं करते हो तो माना जाएगा कि यू हैव वेवड योर राइट वेवर बोलते हैं इसको डॉक्ट्रीन ऑफ वेवर परित्याग का सिद्धांत लास्ट में लिखा हुआ है रूल थर्टीन में अगर आप डायरेक्ट देखेंगे तो इफ दे डोंट रेज दिस ऑब्जेक्शन ऑफ मिस ज्वाइंडर एंड नॉन ज्वाइंडर देन इन अमाउंट्स टू वेवर ऑफ दियर राइट्स स ऑफ प्लेटिव और इनकेस डिपेंडेंट एज दस में भी इट अमाउंट इसको बोलते हैं अधिकारों के परित्याग का सिद्धांत तो आपने अधिकारों को परित्याग कर दिया है कानून ये मानेगा. क्योंकि आपको रेज करना था आपके पास हथियार था, था आपके पास अधिकार था आपके पक्ष में कानून था लेकिन आपको रेज करने का एक टाइम लिमिट उसमें बताया गया था जितना जल्दी संभव हो सके या विवाद देखो की भी रचना तक तब तक आप नहीं जाते हैं बिंग द प्लेटिव और बिंग द डिफेंडेंट एज द केस में भी तो ऐसा माना जाएगा आपने अपने अधिकारों का परित्याग कर दिया है वेब कर दिया है ठीक है तो यह है रूल थर्टीन तो इस तरीके से जितने भी थर्टीन रूल्स थे आदेश एक के इन तेरह के तेरह रूल को मैंने आपको बड़े ही साधारण भाषा में बताने का प्रयास किया ठीक है मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको समझा पाया हूँ अब एक बार मैं इसको जल्दी से समराइज कर दूं सबको क्योंकि टाइम हमारे पास कमी है तो मैं एक बार समराइज कर देता हूं पूरी बात हम लोगों ने क्या देखा था हम लोगों ने आदेश एक को जो वाद के पक्षकारों की बात करता है इसको हम लोगों ने तीन चार भाग में बांट के पढ़ने का प्रयास किया था सबसे पहला भाग हम लोगों ने देखा था ज्वाइंडर ऑफ प्लेंटिव और ज्वाइंडर ऑफ डिफेंडेंट ए था रूल एक से लेकर तीन ए तक दूसरा भाग हम लोगों ने देखा था मिसलेनियस प्रोविजन जो रूल चार पांच छ सात था यह चार रूल थे तीसरा भाग हम लोगों ने देखा था रिप्रेजेंटेटिव सूट प्रतिनिधिवाद जिसमें केवल एक नियम है नियम आठ इसके बाद चौथा भाग हम लोगों ने देखा था मिस ज्वाइंडर एंड नॉन ज्वाइंडर जिसमें हम लोगों ने रूल नौ से लेकर रूल तेरह तक की बात किया था तो इन तेरह रूल को हम लोगों ने चार भाग में बांटा था और चार भाग में हम लोगों ने इसको डिस्कस करने का प्रयास किया था सबसे पहला जो भाग था ज्वाइंडर आप, आप कौन बन सकता है कौन डिफेंडेंट बन सकता है और कब इनको अलग किया जा सकता है यह रूल एक दो तीन और तीन ए में बताया गया था हम लोगों ने देखा था डिटेल में इसके बाद कुछ मिसलेनियस प्रोविजन थे रूल चार पांच छह सात जिसमें क्या लिखा हुआ था सबके खिलाफ निर्णय होगा सबके पक्ष में निर्णय होगा प्लेटिव अगर डाउट में ए, कौन डिफेंडेंट है तो किसको बनाए तो ये सब डाउट को क्रिएट करने के लिए और क्लियर करने के लिए वो चार रूल थे इसके बाद तीसरा सेगमेंट हम लोगों ने देखा था रिप्रेजेंटेटिव सूट प्रतिनिधिवाद अगर दाखिल करना है तो प्रतिनिधिवाद कैसे दाखिल किया जाएगा तो प्रतिनिधिवाद को दाखिल करने के लिए हम लोगों ने देखा था नुमरस पर्सन हैविंग सेम इंटरेस्ट दे में इंस्टीट्यूट वन सूट लेकिन नुमरस पर्सन सेम इंटरेस्ट से ही नहीं होगा कुछ प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी भी कंप्लाई करनी पड़ेगी जो सब रूल टू सब रूल थ्री सब रूल फोर सब रूल फाइव सब रूल सिक्स रूल एट में बताया गया था और जिसको मैंने एक एक करके आपको बहुत ही कायदे से बताने का प्रयास किया था तो ये था रिप्रेजेंटेटिव सूट सबके भी आपसे सूट फाइल हो सकता है और लास्ट जो टॉपिक हम लोगों ने देखा था मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर तो रूल नौ में बताया गया है मिस ज्वाइंडर नॉन ज्वाइंडर का क्या प्रभाव पड़ेगा तो उसमें लिखा हुआ है मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर से सिविल मुकदमे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन अगर नॉन ज्वाइंडर नेसेसरी पार्टी है तो सिविल मुकदमा पर प्रभाव पड़ेगा अब मिस ज्वाइंडर किया था हम लोगों ने देखा था रूल एक और तीन का कंप्लायंस नहीं हुआ और नॉन ज्वाइंडर था नेसेसरी और प्रॉपर पार्टी नहीं जोड़े गए कौन नेसेसरी कौन प्रॉपर हमने आपको बताया था ये रूल नो है रूल दस में कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है कभी भी स्ट्राइक आउट और एड कर सकती है पार्टी का नाम रूल ग्यारह में बताया गया है कुछ मिसलेनियस बात रूल मारा में बताया गया है कि अगर नूमरस प्लेटिव नूमरल डिफेंडेंट हैं तो सबको आने की जरूरत नहीं अगर उन्होंने अथॉरिटी दे दिया है तो सबके भी आपसे एक भी आ सकता है चाहे प्लेटिव हो चाहे डिफेंडेंट हो जैसी भी सिचुएशन है और रूल थर्टीन में बताया गया था ऑब्जेक्शन है मिस ज्वाइंडर एंड नॉन ज्वाइंडर तो असंयोजन और, और कुछ संयोजन का आक्षेप लेना है अगर आपको तो इसको आपको यथासंभव शीघ्र आपको लेना पड़ेगा चाहे आप वादी हैं हैं चाहे प्रतिवादी है। और यथा सिग्र का मतलब सेटलमेंट ऑफ इश्यूज तक को की विरचना तक अगर तब तक आप ले लेते हैं तो ठीक है और तब तक नहीं लेते हैं तो माना जाएगा कि आपने अपने अधिकार का परित्याग कर दिया आपने वेव कर दिया है वेवर ऑफ राइट सिविल राइट्स इस तरीके से मैंने आपको नियम एक से नियम तेरह तक बताया मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा और इसी नोट के साथ और इसी स्पीच के साथ मैं आपसे विदा लेने का प्रयास करता हूँ तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद Hello and welcome to this piece of literary snippet. We usually know William Shakespeare as the most revered figure in the history of English literature. But we often tend to forget that he has also been one of the most hated figures in literature. And here I am not talking only about those boys and girls who have to memorize long sections from Macbeth or King Lear or Julius Caesar uh, before they can go and sit for their school and, or college exams. But I am also talking about people who are themselves quite famous authors. Tolstoy, for instance, considered the writings of Shakespeare to be, and I quote, crude. Immoral, vulgar, and senseless. George Bernard Shaw absolutely loathed Shakespeare as he did Homer. But perhaps no other criticism about Shakespeare is more damaging than the one which says that Shakespeare is a marvelous storyteller, provided someone has told him the story earlier. Now, this piece of criticism is particularly damaging because it is true. None of Shakespeare's plays contain any original story whatsoever. They are all written using pre existing materials, pre existing stories. Now, does that diminish the stature of? Shakespeare as a dramatist? Well, I'll leave that for you to decide. See you in the next episode of Literary Snippets.